हरियाणा बीजेपी को लगा एक बार फिर जोर का झटका। बीजेपी की शेरनी कांग्रेस में हुई शामिल, कांग्रेसियों में छाई खुशी की लहर। लोकसभा चुनाव के बीच हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद रही कैलाशो सैनी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। कैलाशो सैनी को पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 4 साल बाद घर वापसी कराई। इस मौके पर रोहतक में हुड्डा ने मीडिया से भी बातचीत की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रविवार सुबह मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे। इसके लिए जल्द ही कार्यक्रम और रैली के लिए स्थान तय होंगे। हुड्डा ने यह भी दावा किया है कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। 40 पूर्व सांसद और पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी 10 साल के कार्यकाल के बावजूद अपनी उपलब्धि नहीं बता पा रही है। खबरों की माने तो एक सवाल का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने राज्यपाल को पत्र सौंप दिया है जिसमें जल्द ही सत्र बुलाने की मांग की गई है ताकि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने यह भी कहा है कि सरकार बहुमत खो चुकी है, जसपा की ओर से भी व्हिप जारी किया जाएगा, इससे बात का पता चल जाएगा कि कौन विधायक कहां पर है। खबरों की माने तो कैलाशो सैनी नायब सैनी को सीएम बनाने के बाद से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से टिकट की मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। यहां से बीजेपी ने उद्योगपति नवीन जिंदल को टिकट दी है। इस वजह से वह काफी नाराज थी और पिछले कुछ दिनों से वह बीजेपी के पार्टी प्रत्याशी के चुनाव प्रचार में भी दिखाई नहीं दे रही थी। खबरों की माने तो कैलाशो सैनी ने कांग्रेस में शामिल होने के बाद कहा कि वह बीजेपी की नीतियों की वजह से परेशान थी, सही समय आने का इंतजार कर रही थी। अब वह अपने समर्थकों के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान भी मौजूद रहे।